नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक ऐसा विषय है जिसकी इन्फॉर्मेशन बच्चे बच्चे के पास है, पर इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। मैं कपिल कौशिक, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आज आपको बड़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे पिछले 6 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के जरिए। मेरे एक दोस्त राम कुमार जी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं दिल्ली में और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक दिन का 1000 रुपया कमाते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो उनका सपना है अपना घर लेना, इसलिए वो छुट्टी भी नहीं करते और पूरे 30 दिन पढ़ाते हैं। और 30 दिन पढ़ाने के बाद वो कमाते 30,000 रुपये, जिसमें से 20,000 रुपये उनके घर के खर्चे में इस्तेमाल हो जाता है और 10,000 रुपये वो महीने का बचाते हैं, यानी साल का करीब करीब 1,00,000 रुपया वो बचाते हैं। अब उनका सपना था अपना घर लेना, तो द्वारका में कुछ फ्लैट्स बन रहे थे और वो फ्लैट देखने के लिए गए। उन्हें एक फ्लैट बहुत पसंद आया, फ्लैट की कीमत थी 40,00,000 रुपये। पर उन्होंने जब हिसाब लगाया कि मैं साल का 1,00,000 रुपये बचाता हूँ तो 40,00,000 रुपये का फ्लैट लेने के लिए मुझे कितने साल पैसा बचाना पड़ेगा, तो उन्हें समझ में आ गया कि मुझे 40 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं पैसे बचा सकता हूँ। वो उदास होकर घर पे वापस आ गए, पर तभी वहाँ से बिल्डर का फ़ोन आया कि राम कुमार जी आप फ्लैट देखने आए थे, क्या हुआ? तो राम कुमार जी ने जब उनको सच्चाई बताई तो बिल्डर ने बोला आप घबराइए मत, आप 20% पेमेंट कर दीजिए, 40,00,000 का 20% यानी 8,00,000 रुपया, बाकी हम आपकी किस्तें बांध देंगे। तो राम कुमार जी को ये समझ में आया कि 20% यानी 8,00,000 रुपये करना आसान है 40,00,000 की तुलना में। अब 8,00,000 रुपये बचाने में उनको कितना समय लगेगा अगर वो साल का 1,00,000 रुपये बचाते हैं? 8 साल तक उन्होंने पैसा बचाया और 8 साल के बाद वो गए वहाँ पे बिल्डर के पास और उन्हें 8,00,000 रुपये पकड़ाते हुए बोले कि मैं आपके पास आया था और आपने फ्लैट की बात हुई थी हमारी और आपकी, मैं आपके कहे अनुसार 8,00,000 रुपया लेके आ गया हूँ। तो क्या बिल्डर ने उसको चाबी दे दी? जी नहीं, क्योंकि फ्लैट की कीमत बढ़ के हो चुकी थी 60,00,000 रुपये। बिल्डर ने बोला अभी भी आपको 4,00,000 रुपये और देने हैं। अब जब वो 4 साल के बाद फिर 4,00,000 रुपये इकट्ठे करके आएगा, क्या फ्लैट की कीमत दोबारा नहीं बढ़ेगी? क्या राम कुमार जी का सपना पूरा हो पाएगा? क्या ये कहानी सिर्फ राम कुमार जी की है या हम सबकी यही कहानी है? शायद हम सबकी यही कहानी है। हम अपने सपने देखते और महंगाई और अपनी इनकम को मैच ना करते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही राम कुमार जी अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे, उनके एक दोस्त आए और उनको बोला कि आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते जो अधिकतर पैसे वाले लोग करते हैं। तो राम कुमार जी ने कहा बताइए क्या करना है। उन्हें बोला आपका इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कुछ आसपास के लड़कों को, कुछ स्टूडेंट्स को हायर कर लीजिए जो बच्चों को कोचिंग दें। तो जब उन्होंने पेपर में ऐड दिया, बहुत सारे लोग उनके पास में आए इंटरव्यू देने के लिए और उन्होंने 6 लोगों को पिक किया और उनको बताया गया कि देखिए इंस्टीट्यूट मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, आपने केवल दिन में 10 घंटे आना है, बच्चों को पढ़ाना है और चले जाना है, 1,000 रुपये चार्ज है, 50% मेरा, 50% आपका। तो उन स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 6 लोग अगर एक दिन का 1,000 रुपये कमाते हैं तो महीने का कितना कमाते हैं? 1,80,000 रुपये। डील क्या हुआ था? 50-50। अब राम कुमार जी को मिलता है 90,000 रुपये और 10,000 रुपये वो अपना भी बचाते हैं। तो इस तरीके से 1,00,000 रुपये महीने का बचाने लग गए। अब 8,00,000 रुपये इकट्ठे करने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। 8 महीने के जब वो बिल्डर के पास जाएंगे और उनको 8,00,000 रुपये देंगे तो संभावना है उसको चाबी मिल जाए और इस तरीके से राम कुमार जी का सपना पूरा हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको इसी प्रकार की इनकम देता है। इसके साथ साथ में इस दौरान एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जब राम कुमार जी पहले वाले कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, दिल्ली में डेंगू फैला और राम कुमार जी ने 20 दिन छुट्टी की, 20 दिन उनका इंस्टीट्यूट बंद रहा, क्या उन 20 दिन के दौरान उनको कोई इनकम हुई? जी नहीं, कोई इनकम नहीं हुई, बल्कि खर्चे हुए डॉक्टरों के ऊपर। पर दूसरे कंसेप्ट में अभी 2 साल पहले दिल्ली में एक बार फिर चिकनगुनिया की बीमारी फैली और फिर उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और वो 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। पर 1.5 महीने जब वो हॉस्पिटल में रहे उसके बावजूद उनको 90,000 रुपये महीने की इनकम आती रही। ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको पैसिव इनकम देता है। तो आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को खुले दिमाग से समझिएगा और ये खूबसूरत इंडस्ट्री आपके सपने पूरे करने के लिए आपका इंतज़ार कर रही है। आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।